dear student of class 6, today we are going to start next part of exercise 5.10. तो dear student 5.10 में question number 6 तक हम लोग कर लिए हैं. Question number 6 में if sum of two number is 12 upon 5, if one of them is 3 upon 5, find the other. Question number 6 हो गया है. अब question number 7 की बात करते हैं. Two wires are 3 upon 5 meter and 9 upon 10 meter long. They are attached in between. How much length do they have now? जैसे कहने का मतलब ये है, एक वायर है, ठीक है, इस वायर के दो इंड हैं, ठीक है. जैसे सपोज ये जो आपका वायर है, क्वेश्चन नंबर इस वायर के दो इंड हैं, ठीक है, एक ए और एक बी. ए का लेंथ 3/5 मीटर है और बी का जो लेंथ है 9/10 मीटर है, ठीक है. अब इसमें क्या करना है कि हमें बताना है कि दोनों में जो है कितना लेंथ है, दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करने पे कितना लेंथ होगा. तो डियर स्टूडेंट कितना लेंथ होगा, तो कहने का मतलब दोनों को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, ऐड, ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल 3/5 + 9/10 को ऐड कर देना, ऐड करके सॉल्व कर देना है. ये स्टडी क्वेश्चन का हिंट हो गया. क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताता हूँ, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है, द कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल इन 16 होल 3/4, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. इनके जगह पे आप ईच कर लीजिए, मतलब 4 पेंसिल का कॉस्ट कितना दिया, 16 होल 3/4 रुपीज. हमें 1 पेंसिल का कॉस्ट बताना है, सही बात है. जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास गिवन है, ठीक है, हमारे पास गिवन है, हमारे पास गिवन है कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल विच इज 16 होल 3/4 16 होल 3/4, ठीक है. और हमें फाइंड करना है, फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. तो कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल कितना दिया, 16 होल 3/4 रुपीस, और हमें कॉस्ट ऑफ कितना पता करना है, 1 पेंसिल. तो देखिए, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कॉस्ट ऑफ 4 पेंसिल होगा, वो हो जाएगा 67/4 रुपीस. फिर ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल होगा. देखिए, जब इस तरीके का क्वेश्चन हो कि 4 केजी शुगर का कॉस्ट 80 रुपीस है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 केजी शुगर. तो जब 80 रुपीस है तो उसमें 4 से क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर लेंगे, तो 1 केजी शुगर का क्या होगा, कॉस्ट निकल जाएगा. उसी तरीके से 4 पेंसिल कॉस्ट ये है, हमें 1 पेंसिल क्या करना है, फाइंड करना. तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल विच इज, आप क्या कर दीजिए, आप यहाँ पे 16/4 जो 4 है उसमें डिवाइड कर दीजिए क्या, 4. तो आपको 1 पेंसिल का जो है कॉस्ट पता चल जाएगा. तो डिवाइड में आपको मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई रहता है, तो 67/16 और इसको आप किसमें कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन, किसमें कन्वर्ट करो, मिक्स फ्रैक्शन. यानी 16 को अगर जो 67 से डिवाइड कर रहे हो तो 64 तो कोशेंट, यानी आपका आंसर आ जाएगा 4 होल 3/16.
यानी कॉस्ट ऑफ जो वन पेंसिल होगा और हो 3/16। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 9 भी आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, नीलम हैज 18 होल 4/5 kg ऑफ राइस। सी गेव्स 5 होल 1/kg ऑफ राइस टू हर सिस्टर, फाइंड द अमाउंट ऑफ राइस डज सी हैव नाउ। यानी नीलम के पास जो 18 होल 4/5 kg जो राइस था और उसने अपने सिस्टर को 5 होल 1/5 kg राइस दे दिया, तो कितना उसके पास बचा है, जो टोटल राइस है उसमें से जो है बचा हुआ राइस क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 डियर स्टूडेंट आपका, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 आप जो है उससे ट्राई करिएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।